सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर 47 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को अपलोड किए हुए और यहाँ पर इस वीडियो का व्यूज देखो 348 व्यूज आए हैं। अब दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस वीडियो पे जो व्यूज है वो क्यों नहीं आए? आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस करने की कोशिश की है? आप लोग के चैनल पे क्या होता है, आप लोग सालों भर से आप अपनी वीडियो को अपलोड करके छोड़ देते हैं फिर भी आपके वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आता, कोई इंप्रेशन नहीं जाता, ना आपको अपनी वीडियो से एक भी सब्सक्राइबर मिलता है, आप लोग के चैनल पे कोई वीडियो वायरल ही नहीं होती है। इसका दोस्तों मेन रीजन क्या है कि आप लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका तरीका ही गलत होता है। और यहाँ पर ये मैंने सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाई। अब दोस्तों इस चैनल का मैं 48 घंटे का आपको व्यूज दिखाती हूँ, इस चैनल पे 48 घंटे में कितना व्यूज आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ 2000 व्यूज। 2000 व्यूज पे आप लोगों को अपने YouTube चैनल से क्या ही अर्निंग होगी, आप लोग खुद यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। 2000 व्यूज 48 घंटे में इसलिए आ रहा है क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि आखिर YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे की जाती है, YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। अब आप लोग मेरे चैनल की इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए इस वीडियो को अपलोड किए हुए कितने दिन हुए, सिर्फ 3 दिन हुए और देखो यहाँ पर व्यूज कितना आ चुका है, यहाँ पर 72,000 व्यूज इस वीडियो पे हो चुके हैं और लगातार इस वीडियो पे व्यूज आ ही रहे हैं। दोस्तों इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से अपलोड किया है, मुझे पता है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है जिससे आपकी वीडियो होती है वो बूस्ट होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिक्स पे चलते हैं, एनालिटिक्स पे चलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मेरे चैनल पे 48 घंटे के अंदर यहाँ पे कितना व्यूज आ रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं, 94,000। अब आप सोचो कि 94,000 पे मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिलते होंगे, कितनी ज्यादा अर्निंग मिलती होगी। ये दोस्तों सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका पता है। आप लोग क्या करते हैं, पुराने तरीके को लेकर आप लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करते जाते हैं फिर भी आपकी वीडियो कोई रैंक नहीं करती है। इसका मेन रीजन ये है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है पूरी तरीके से बदल चुका है और अब आपको एक नए तरीके से अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करना चाहिए जिससे आपकी वीडियो रैंक करे, आपके वीडियोस वायरल हो। अब देखो यहाँ पर मेरे चैनल पे 48 घंटे के अंदर 94,000 व्यूज आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो दोस्तों मैं पुराने तरीके से वीडियोस को अपलोड नहीं कर रही हूँ, अब मैं बिल्कुल नए तरीके से अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ जिससे क्या हो रहा है मेरे चैनल पे धीरे धीरे सभी वीडियोस वायरल हो रही है। अब देखो यहाँ पर मैं चलती हूँ कॉन्टेंट वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4,000, 6,000, 7,000, 71,000, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखो 24,000, यहाँ पर देख सकते हैं सारे वीडियोस पे अभी के टाइम पे मेरा अच्छा व्यूज आ रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ पुराने एल्गोरिदम के हिसाब से अपलोड नहीं कर रही हूँ, जो नया एल्गोरिदम यूट्यूब का चेंज हो चुका है उसके हिसाब से आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, जो तरीका आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर उस तरीके से आप लोगों ने अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड कर लिया तो 100% आपके चैनल पर भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने लगेंगे जैसा मेरे चैनल पे आ रहे हैं। 48 घंटे के अंदर मेरे चैनल पे जहां 15,000 से 20,000 व्यूज आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि जब मैंने वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट किया था तो मैं पुराने तरीके से वीडियोस को अपलोड कर रही थी, पर दोस्तों अभी के टाइम पे लगभग मेरे चैनल पे 1,00,000 व्यूज 48 घंटे के अंदर आ रहा है। तो इसका मेन रीजन यही है कि अब मैं अपने चैनल पे नए तरीके से वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम बदल चुका है उसको पकड़कर आप लोगों को अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। तो क्या है नया तरीका वीडियोस को अपलोड करने का, आपको पता है 2023 जाने वाली है, 2024 आने वाली है, तो आप लोगों को 2024 के हिसाब से अभी से वीडियोस को अपलोड करना शुरू करना है, वरना आप लोग बहुत ज्यादा पछताएंगे, आपकी वीडियोस पे कभी व्यूज नहीं आएंगे। तो आप लोगों को किस तरीके से अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड करना है, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियोस को कैसे वायरल करा है, किस तरीके से आपको वीडियोस को अपलोड करके अपनी वीडियोस को वायरल कराना है, वो सारा तरीका आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। यहाँ पर मैंने लाइव एग्जाम्पल आपको अपना चैनल दिखाया और अब आपको बताएंगे कि आखिर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल की वीडियो के विनर है, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया। अगर आप लोग फ्री में अपने चैनल का प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना, कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब वीडियो अपलोड करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने अपने YouTube को ओपन कर लिया, YouTube को ओपन करने के बाद आप लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आप लोग को इसी वीडियो में देखनी है कि आप लोग कहां पर मिस्टेक्स करते हैं वीडियोस को अपलोड करते टाइम, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो का टाइटल क्या है, जो टाइटल आपने अपनी वीडियो का रखा है सबसे पहले आपको उसको चेक करना है, ठीक है। जब आप उस टाइटल को डिसाइड कर लेंगे, मान लीजिए आपने बनाया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने चैनल की प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है टर्न ऑन इनकॉग्निटो, ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपने जो अपनी वीडियो का टाइटल रखा है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर वही टाइटल को सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, यहाँ पर देखो यूट्यूब
चैनल, मैंने लिख दिया यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने इतना लिखा, अब देखो आपके सामने कितने सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए। ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं जो 2024 में आपके रैंक होने वाले हैं। ये देखो YouTube आपको पहले से ही सजेस्ट करने लगता है कि इस टाइटल से आपकी जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा सर्च की जाएगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैंने चैनल लिखा है, वो भी गलत लिखा है, फिर भी यहाँ पर देखो काफी सारे टाइटल मुझे सही दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो पहला टाइटल आ रहा है यहाँ पर, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो इस तरीके से वीडियोस आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर दो वीडियोस आ रही है सबसे टॉप में। अब आपको एक चीज को ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखो ये जो वीडियो आ रही है सबसे टॉप में, ये कितने मिनट की है, 12 मिनट की। ठीक है, उसके बाद जो नीचे की साइड देखेंगे ये वीडियो कितने मिनट की है, 24 मिनट की। अगर दोस्तों आप लोगों से हो सके तो आप लोग इससे बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इससे बड़ी वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो YouTube सर्च में जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखो नीचे की साइड आप जाएंगे तो देखो आपको ज्यादातर लेंथी वीडियो मिलेगी। यहाँ पर देखो 33 मिनट की वीडियो है। तो अगर आप लोग जो ऊपर की तीन वीडियोस होती है उनको टारगेट करके ही अपनी वीडियो को क्रिएट करें, सबसे पहले जब आपका टाइटल डिसाइड हो जाए तो आप लोगों को इनसे बड़ी वीडियो ही अपने चैनल पे बनानी है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रख लिया। उसके बाद देखो अब आपको यहाँ पर जिस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 21 मिलियन व्यूज आया 10 महीने के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया था पिछले वीडियो के अंदर, वाइड टूल, जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से उस एप्लीकेशन पे चले जाना है। सिंपली मैंने उस एप्लीकेशन पे क्लिक कर लिया। उतना करने के बाद अब आपके सामने उस वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, सभी चीजें आपके सामने आ गई। ये दोस्तों सिर्फ आपके सामने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग आया है, बाकी जो तरीका है कि किस तरीके से आपको अपनी वीडियो को अपलोड करना है वो अभी आपको नहीं पता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको मिलता है कॉपी डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कॉपी टाइटल, और यहाँ से नीचे की साइड मिलता है आपको यहाँ पे टैग सारे कॉपी करने को। यहाँ से आप सारी चीजें कॉपी कर सकते हैं इनकी वीडियो को, क्योंकि इनकी वीडियो वायरल हुई है तो साथ ही साथ आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कॉपी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको चले जाना है बैक, बैक जाने के बाद आपको जाना है नोटपैड के अंदर। अपने मोबाइल का नोटपैड ओपन कर लो और यहाँ से क्या करना है, आपको ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कॉपी कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब इन्होंने जो अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर फिल किया है वो सारी यहाँ से आपको रिमूव कर देनी है। यहाँ से देखो इस तरीके से मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ जो इन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर फिल किया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से सारी डिटेल हमने यहाँ से कट कर दी। अब यहाँ से क्या रह गया, सिर्फ इनका टाइटल रह गया और डिस्क्रिप्शन रह गया और यहाँ पे हैशटैग रह गया। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक जाने के अब आपको वीडियो किस तरीके से अपलोड करनी है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। अब क्या करना है, अब आपको जाना है YouTube एप्लीकेशन के अंदर। अब YouTube एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको चले जाना है टर्न ऑफ कर देना है इनकॉग्निटो मोड को। जैसे आप इतना कर देंगे फिर आपको क्या करना है, अब आपको नीचे की साइड मिलता है प्लस का आइकन, सिंपली आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपलोड अ वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप अपनी गैलरी से जो वीडियो अपलोड करना चाहते हैं सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी उस वीडियो को ले लेना है। आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो होती है आपकी, यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो में टाइटल ही नहीं देते। टाइटल ना देने के कारण आप लोग की जो वीडियोस होती है वायरल नहीं हो पाती है। मैं अपनी जितनी वीडियो को अपलोड करती हूँ उनका मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन पहले ही डाल देती हूँ, जिससे जो मेरी वीडियो है वो यूट्यूब सर्च में ज्यादा से ज्यादा जाने लगती है। अब देखो जब आप वीडियो को अपलोड करने जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइटल देना है। टाइटल किस तरीके से देना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी कराया था वहीं से आपको अपना एक परफेक्ट टाइटल निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग आ गए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसमें टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपली चले जाना है नोटपैड में। ठीक है, यहाँ से देखो हम आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो कैसे बनाए वाला जो हमने टाइटल है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से चले जाना है बैक। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट में डाल देना है। ठीक है, इतना आपने काम कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब एक बार लिखना है आपको यहाँ पे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से जाना है अपने नोटपैड के अंदर। नोटपैड में अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइटल देखना है। तो यहाँ पर देखो आपको इंग्लिश में टाइटल मिल जाएगा, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला मिल गया, तो इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना। इतना काम करने के बाद आपका जो टाइटल है वो यहाँ से बन चुका है। अब यहाँ पर परफेक्ट टाइटल आपका हो गया। अब इस टाइटल को क्या करना है, इसको आपको सिंपली इस तरीके से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन के टॉप में यहाँ पर उस
टाइटल को डाल देना है। जैसे आप इतना काम करेंगे, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, अब आपने जो यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से हमने टाइटल है वो अपने आप बनाया, हमने किसी का टाइटल कॉपी नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इनका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इसको इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से जाना है बैक और यूट्यूब एप्लीकेशन में जाने का, इस तरीके से आपको इसको पूरा का पूरा इस तरीके से पेस्ट कर देना है। टाइटल डिस्क्रिप्शन आपका पूरा हो चुका है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो काफी सारे लोग एक गलती करते हैं, यहाँ पर गलती क्या करते हैं, या तो पब्लिक पे अपनी वीडियो को सेट करके यहाँ से अपलोड कर देते हैं, या वो लोग अपनी वीडियो को प्राइवेट पे सेट करके अपलोड कर देते हैं। पर ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये गलती अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपके वीडियो यूट्यूब चेक नहीं कर पाता है कि आखिर आपकी वीडियो किस टाइटल पर बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी वीडियो अपलोड होती है तो वहां पर ब्लू कलर की कुछ लाइंस चलती हैं। वो लाइंस क्यों चलती हैं, क्योंकि यूट्यूब चेक करता है कि आपकी जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बनी हुई है, ताकि वही एल्गोरिदम में सेट हो जाके और आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में जाए। तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अनलिस्टेड पे अपनी वीडियो को हमेशा अपलोड करना है। अनलिस्टेड पे जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी वीडियो एल्गोरिदम में पहले से ही सेट हो जाती है, यूट्यूब आपकी वीडियो को सर्च में भेजने लगता है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे शेड्यूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ से आप अपनी वीडियो का शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अनलिस्टेड पे अपनी वीडियो को कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मिलता है प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन, अगर आपने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखी है तो अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करें, ठीक है, अगर नहीं बनाई है तो बात अलग है। उसके बाद देखो यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, तो सिंपली क्या करना है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो दो ऑप्शन देते हैं ये आप लोग कभी ध्यान में नहीं देते और अपनी वीडियो को अपलोड कर देते, जिससे आपकी वीडियो सही ऑडियंस के पास पहुंच ही नहीं पाती है। यहाँ पर देखो जो पहला ऑप्शन मिलता है यस इट्स मेड फॉर किड्स, दूसरा मिलता है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो आपको क्या करना है, नो वाले पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमने ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाई है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं हमने उनके लिए बनाई है। तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एज रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको नो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इतना काम करने का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपलोड वीडियो का, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे, अब आपकी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब देखो यहाँ पर जो ब्लू ब्लू कलर की लाइंस चलती हैं, अब YouTube आपकी वीडियो को चेक करता होता है कि आखिर आपने अपनी वीडियो में क्या टाइटल रखा है, क्या डिस्क्रिप्शन रखा है, जिससे आपकी वीडियो पहले से ही YouTube के एल्गोरिदम में जाकर सेट हो जाती है और आपकी वीडियोस के जो वायरल होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी वीडियो जब तक अपलोड हो रही है तब तक आपको क्या करना है, अब जाना है आपको अपने YT स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपकी वीडियो है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर पेंसिल वाला जो आइकन मिलता है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने का आपको मिलता है मोर ऑप्शन का, यहाँ पर आपको टैग वाला एक सेक्शन मिलता है, ठीक है। अब देखो टैग वाले ऑप्शन में आप टैग तो लगा देते हैं, पर यहाँ पर आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो आपकी कैटेगरी होती है आप इस कैटेगरी को सही से डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर आपको अपनी वीडियो किस कैटेगरी में अपलोड करनी है। मान लीजिए हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो हमारी किस कैटेगरी की वीडियो है, अगर आप रेसिपीज वाली वीडियो बना रहे हैं तो वो आपकी कुकिंग वाली कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। या आप लोग जो स्टडी वाली वीडियोस बना रहे हैं वो आपके एजुकेशन कैटेगरी में आएंगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी सबसे पहले डिसाइड करनी है, जिस कैटेगरी में आप अपनी वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं वही कैटेगरी आप लोग को यहाँ पर डिसाइड करनी है, वरना जो आपकी वीडियो है वो सही ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाएगी और आपकी वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं होगी, चाहे आप कितनी मेहनत करके वीडियो को बना ले रहा। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी को डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको टैग लगाने, अब आपको ये टैग कैसे लगाने ध्यान दीजिएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने नोटपैड में, जो हमने नोटपैड में यहाँ पे कॉपी किए थे सारे टाइटल, यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, इनको कॉपी करके अपने टैग वाले सेक्शन में डालना है। मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं इनको, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक करके इन सारे टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ से करना है, यहाँ पर हम कर देते हैं इस तरीके से, आपका टैग लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से करेंगे और यहाँ से आपको इस तरीके से अपना एक एक करके टैग यहाँ पर लगाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपके देखो टैग लगते जाएंगे, यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ से नीचे वालों को हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से आपके टैग्स हैं वो एक एक करके यहाँ पर देखो लगते चले जाएंगे। ये जो टैग्स आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर लगाते हैं ये दोस्तों 100% आपकी वीडियोस को सर्च में ले जाते हैं, ठीक है।
अब अगर आप लोग ये वाले टैग्स को नहीं लगाएंगे तो आपकी वीडियोस कभी भी वायरल नहीं होंगी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतना याद नहीं रखोगे तो आपकी वीडियोस पे कभी भी व्यूज नहीं आएगा। अब देखो इस तरीके से हम यहाँ पे टैग्स लगा रहे हैं, हमारे सारे टैग्स यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपनी वीडियोस के अंदर टैग्स लगा देने, जो ये टैग्स आप लगाओगे वो सारे टैग्स आपके सर्चेबल टैग्स होंगे और आपकी जो वीडियो होगी वो एल्गोरिदम में जाके 100% सेट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन में इतने सारे कीवर्ड्स लिखते हैं, जो सारे यूट्यूबर्स वो सारे लोग क्या अपने हाथ से इतने सारे कीवर्ड्स लिखते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं लिखते। सभी लोग एक पॉपुलर वीडियो के कीवर्ड्स को यहाँ पर उठा के और यहाँ पर सेट करते हैं ताकि दोस्तों उनकी वीडियो जल्दी से जल्दी रैंक करे। और पॉपुलर वीडियो अगर रैंक में गई है तो अगर आप लोग भी वही टाइटल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लगा के अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो 100% आपकी वीडियो यहां से वायरल होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको थंबनेल का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप थंबनेल पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से अपनी वीडियो का कोई सा भी यहाँ से थंबनेल आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी चाहे वो थंबनेल आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है सेव। तो सेव वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों एक सेटिंग है जो आप लोग अपने चैनल पे नहीं करते हैं। आप लोग कितने भी अच्छे तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड कर लेना फिर भी आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, वो सेटिंग आपको कैसे करनी है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अपने चैनल को खोल लेना है डेस्कटॉप मोड पे। जो आपका चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको आप डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लीजिए। तो जब आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आप लोग, जब इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चैनल का। तो यहाँ पर चैनल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो आपके सामने कीवर्ड्स का एक ऑप्शन आ रहा, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड लगाना है जिस टाइटल पे आपने अपनी वीडियो को अपलोड किया उसी टाइटल आपको यहाँ पर डाल देना है, वही सेम टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा वीडियो का टाइटल क्या था, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। अगर आप लोग दोस्तों वही टाइटल को यहाँ पर डालेंगे तो आपकी जो वीडियो होगी वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में पहले से ही सेट हो जाएगी और अगर कोई सर्च करता है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए तो आप लोग की जो वीडियो है वो वहां पर सर्च में शो होगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो हमने डाल दिया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। अगर इतना काम आप लोग कर लेते हैं तो 100% जो आपकी वीडियो होती है वो बूस्ट होती है, यूट्यूब सर्च में जाती है, आपकी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है। अब आपको क्या करना है, नीचे की साइड सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब जो आपकी वीडियो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग पुराने तरीके से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं तो वो तरीका अब आपका काम में नहीं आने वाला है। अब आपको 2024 के हिसाब से अपनी वीडियोस को यहाँ पर अपलोड करना है। अब दोस्तों यही होता है एक परफेक्ट वीडियो अपलोड करने का तरीका। अब यहाँ पर देखो YT स्टूडियो में यहाँ पर जो पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पेंडिंग की जगह यहाँ पर आपका अनलिस्टेड लिखकर आ जाए तभी आप लोगों को अपनी वीडियो को पब्लिक करना है। जो चेकिंग चलती होती है, काफी लोग क्या करते हैं चेकिंग चलते हुए ही अपनी वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। जब आप लोग चेकिंग चलते हुए ही अपनी वीडियो को पब्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो कभी वायरल नहीं होगी, चाहे आप कितनी मेहनत करके अपनी वीडियो को बना लेना। अगर यहाँ पर जब तक ये चेकिंग कंप्लीट ना हो तब तक आपको अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करना है। यहाँ पर देखो आप लोग की वीडियो यहाँ पर जब पूरी प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाए तभी आप लोग अपनी वीडियो को पब्लिक कीजिएगा। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो अपलोड करने का सही तरीका तो सीख ही लिया, अगर आपको नहीं पता है कि YouTube पर सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम कैसे बढ़ाए जाते हैं अपने चैनल पे तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको नहीं पता कि YT स्टूडियो से भी आप लोग अपने व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं, YT स्टूडियो की कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जिनको ऑन करके आप व्यूज को ला सकते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो अपलोड करने के बाद व्यूज लाने का तरीका आप लोग को इस वीडियो के अंदर मिलेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी रामबाण तरीके से काम करेगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।